अब हम इस चैप्टर के अहम तरीन तीन टॉपिक्स करेंगे और समझेंगे कि भाई ये ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनको समझकर हम ये जानेंगे कि ओवरहेड्स यानी कि इनडायरेक्ट खर्चों को एक प्रोडक्ट में किस तरह शामिल किया जाए ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है और कंफ्यूज करता है तो मेरी आज की कोशिश ये होगी कि आपको ये आसान करके समझाऊँ जो कि इजी लर्निंग स्टेशन का एक मोटिव है वेल लर्निंग बिकम्स इजी। आइए देखते हैं एलोकेशन एलोकेशन किसे कहते हैं सबसे पहले तो आपके पास हाथ में आ गया भैया बिजली का बिल सबसे पहले तो आपके पास हाथ में आ गया क्या भैया बिजली का बिल इस महीने का बिजली का बिल फर्ज करो बिजली का बिल आ गया दो लाख ठीक है दो लाख रुपए बिजली का बिल आ गया अब क्या करें भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कैसे डिवाइड करें कैसे फा करें? करें कैसे पता लगाएं कि मार्कर्स बनाने में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई डस्टर बनाने में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई वाइट बोर्ड बनाने में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई तो आइए देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले तो हमें एलोकेट करना है क्या एलोकेट करना है अब देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर जगह तो प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे ना लेकिन हर जगह बिजली का इस्तेमाल तो हो रहा है ना तो लिहाजा ये दो लाख जो है आपकी पूरी की पूरी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया है ठीक है और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में ने नहीं तमाम डिपार्टमेंट्स ने इस्तेमाल किया है ख्वा वो कितने ही डिपार्टमेंट्स या कितने ही जैसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ये दो लाख है तो ये सबसे पहले कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में है? हम बायफ्रकेट किस तरह कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपने एलोकेशन करनी है एलोकेशन की डेफिनेशन क्या है असाइनिंग होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेज हमने सबसे पहले तो जो हमारा कॉस्ट आ रहा है उसको एलोकेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट सेंटर्स में और फिर ये इसे क्या कहा जा रहा है एलोकेशन को इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ये पहला मरहला है अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सम्स में या आपके पास जो भी सम्स आएंगे यूजुअली एलोकेशन दी गई होती है मतलब सवाल खुद ही बता देता है कि दो लाख में से कितना परसेंटेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूज़ किया कितनी परसेंटेज मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी कितनी परसेंटेज सेलिंग एंड एडमिन में जाएगी कितनी परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगी तो एलोकेशन का प्रोसेस में तो कोई ख़ास ऐसी मुश्किल बात नहीं होगी कि जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सके दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज नेक्स्ट अपोर्शनमेंट एलोकेशन के बाद जो मरहला आएगा वो आएगा अपोर्शनमेंट का वंस आपने एलोकेट कर दिया तमाम खर्चों को तो आपको पता चल गया यहाँ पे टेन परसेंट गया यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट गया यहाँ पे थर्टी परसेंट गया ठीक है और यहाँ पे इस इन तमाम डिपार्टमेंट्स को मिला के फिफ्टी परसेंट तो खर्चा आपने उस हिसाब से एलोकेट कर दिया नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज वुड बी अपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट के दो स्टेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में ये तीसरा टॉपिक होगा ये चौथा टॉपिक होगा ठीक है तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अपोर्शनमेंट स्टेज वन यानी अपोर्शनमेंट को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया सबसे पहले स्टेज वन बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि अपोर्शनमेंट की बेस क्या होगी जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फेयर बेसिस में अपोर्शन करना है खर्चे को फेयर बेसिस पे तो फेयर बेसिस यानि कि अब हमें बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट निकालनी पड़ेगी कैसे निकालेंगी क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे नेक्स्ट स्टेज टू री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स यानी कि अपोर्शनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया स्टेज वन बेसिस ऑफ अपोर्शन स्टेज टू री बला का नाम है भैया आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक है और उसके बाद एडमिन uh, डिपार्टमेंट ये तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दो और डिपार्टमेंट्स होंगे जिसे कहेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैंटीन सिक्योरिटी यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर मेन डिपार्टमेंट्स ये है तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ये हैं कि जो मेंटेनेंस वगैरह का काम कर रहे हैं सफाई ऑफिस की सफाई भैया गंदी जगह तो नहीं बैठेगा ना आके सही हो साफ़ सुथरी मिलेगी ऑफिस तो बैठेगा ना वहाँ जाके तो मेंटेनेंस कैंटीन भूख से तो नहीं मरेंगे ना इंसान काम कर रहे हैं पूरे कंपनी में ब्रेक टाइम में कहाँ जाएंगे चाय पानी कुछ जिंदा रहने के लिए बंदे को चाहिए कि नहीं चाहिए सिक्योरिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी गार्ड्स सी कैमरा फुटेजेस ये सब किस खाते में जाएगा अच्छा ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट्स को प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ठीक है ये सपोर्टिंग या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी नाउ इनको मेंटेन करने के लिए चलाने के लिए खर्चा कर रही हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हैं किस खाते में जाएगा ओवरहेड्स के खाते में जाएगा तो अब यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि अपोर्शनमेंट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स यानी इन डिपार्टमेंट्स को चलाने का सर्विस कॉस्ट सेंटर्स को जो चलाने का खर्चा आएगा उसको अभी हमें डिवाइड करना होगा किस में इसमें इन डिपार्टमेंट्स में क्यों क्योंकि असल काम यहाँ पर हो रहा है और ये सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर ये ना हो तो ये भी ना हो और अगर ये मौजूद इसीलिए हैं कि ये मौजूद हैं लिहाजा इनका भी जो खर्चा आ रहा है वो इनमें डिवाइड कर दिया जाए दैट इज़ कॉल्ड री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स नाउ री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स विल अगेन बी सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज नंबर वन डायरेक्ट मेथड एंड नंबर टू स्टेप डाउन मेथड क्या होता है ये किस तरह इसको करते हैं ये सब अभी हम थोड़ी देर में एक सम के थ्रू देखेंगे हम सम के थ्रू देखेंगे स्टेज वन किस तरह किया जाएगा हम सम के थ्रू देखेंगे स्टेज टू किस तरह किया जाएगा और फिर हम ऑब्जॉपशन कॉस्टिंग पर आ जाएंगे नाउ द थर्ड स्टेज यानी समझ लें ये आपका बर्ड्स आई व्यू मैंने आपको दे दिया कि एलोकेशन किसे कहते हैं अपोर्शनमेंट किसे कहते हैं और इसमें हमने क्या चीज़ें पढ़नी हैं दो स्टेजेस होते हैं और सेकंड स्टेज में मज़द दो चीज़ें होंगी जो हम पढ़ेंगे उसके बाद है एबजॉप्शन तीसरा एब्जॉपशन क्या कहा जा रहा है वंस ऑल ऑफ द प्रोडक्शन ओवर हैव बीन अ पोर्शन टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स यानी एक दफा तमाम हम इस मरहले से और इस मरहल से गुजर जाएंगे तो फिर क्या होगा एंड ओवर हैड ऑब्जॉर्प्शन रेट इज डिटरमाइंड एंड ओवर हैड ऑब्जॉर्प्शन रेट वुड भी डिटरमाइंड और इंक्लूड द ओवर हैड इन टू द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यानी इस मरहलें में हम क्या करेंगे यहाँ तक जब हम पहुँच चुके होंगे हमने डिटरमाइन करना है अब्जॉप्शन रेट ओवरहेड हेड अब्जॉर्प्शन रेट का एक फॉर्मूला है जो कि हम सम के थ्रू देखेंगे वो जब हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो रेट है जिस रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्ट में और हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी कॉस्ट इस प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करनी है नाउ वी विल गेट ऑन टू द सम्स एंड सी हाउ डू वी सॉल्व ऑल दिस प्रैक्टिकली